क्या आप जानते हैं दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही है जो हमेशा घूमती रहेगी। इस बिल्डिंग की हर एक मंजिल किसी भी दिशा में घूम सकती है। और तो और दुबई की सड़कों पर मोबाइल के टावर लगे तो होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे, आखिर कैसे चले जानते हैं। दोस्तों दुबई की डायनेमिक टावर बिल्डिंग 420 मीटर ऊंची है और ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 80 मंजिलें होंगी और ये सारी मंजिलें हमेशा अपनी जगह पर घूमती रहेगी। और इस बिल्डिंग की एक मंजिल को पूरा घूमने में 3 घंटे का समय लगता है। इस बिल्डिंग के बॉक्स को पहले फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा और बाद में बिल्डिंग बनाने वाली जगह पर लाकर जोड़ा जाएगा। ये काम नामुमकिन सा लगता है लेकिन इसे बनाने में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और दुबई अपने शहर की सुंदरता को इतना महत्व देता है कि यहाँ के 5G टावर भी इस तरह पेड़ में लगाए जाते हैं जिससे इन टावर से शहर का लुक खराब ना हो। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसके पानी को छूने से भी लोग डरते हैं। और तो और भारत में एक ऐसा भी बीच है जिसके दोनों तरफ पानी भरा हुआ है लेकिन ये पानी में कभी नहीं डूबता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों कुछ टाइम पहले केरला में बाढ़ आने से समुद्र 200 में बट गया था और जब पानी का स्तर कम हुआ तो पता चला कि समुद्र में एक ऐसा आइलैंड का निर्माण हो गया जो दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। समुद्र के बीच में ये पतला सा आइलैंड आधा किलोमीटर लंबा है और अब इसे देखने के लिए दूर दूर से लाखों पर्यटक आते हैं लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये बीच कभी भी पानी में डूब सकता है। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ऐसी नदी बहती है जिसके कोई पास तक नहीं जाता। इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस नदी के पानी को छूने से आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे और अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर में डलने वाले तेल की कीमत 1 लाख रुपए किलोलीटर से ज्यादा होती है, तो आखिर ये पेट्रोल और डीजल के बजाय कौन से तेल से उड़ता है और हेलीकॉप्टर 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर चलता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों एक हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक बहुत ही छोटा होता है जिसमें 120 लीटर फ्यूल ही आ सकता है। हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो 1 लीटर तेल कुछ ही सेकंडों में खत्म हो जाता है, इसीलिए इसकी माइलेज 1 लीटर तेल के हिसाब से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर ने 1 घंटे में कितना तेल खर्च किया ये देखा जाता है। और सामान्य हेलीकॉप्टर 1 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है जिसमें 50 से 60 लीटर तेल खर्च हो जाता है। ऐसे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में हेलीकॉप्टर का 300 मिलीलीटर तेल लगता है। वहीं हेलीकॉप्टर में विमान की तरह ही जेट फ्यूल डाला जाता है जो कच्चे पेट्रोल से ही निकलता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहां के सारे लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सभी एक ही बिल्डिंग के अंदर है। किसी भी काम के लिए लोगों को बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना पड़ता है। आखिर इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं और कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर क्यों नहीं रहता, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबको पता है कि चीन के हांगजू शहर में स्थित इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में 30,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं लेकिन इस पूरे शहर की जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही बिल्डिंग बनी है। तो दोस्तों ये शहर अलास्का में मौजूद है जिसका नाम है विटियर और सभी लोग इसमें इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ साल भर भयानक ठंड पड़ती है और यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस एक बिल्डिंग में कुल 270 लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं आखिर जहाजों में गाड़ियों और ट्रकों को इस तरह क्यों भरा जाता है? और तो समुद्र के किनारे खड़े शिप को हमेशा रस्सियों से बांध कर ही क्यों रखा जाता है? क्या ये रस्सी कभी टूटती नहीं है, चलिए जानते हैं। दोस्तों समुद्र के किनारे खड़ा जहाज कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता क्योंकि समुद्र की लहरें लगातार इससे टकराती रहती है और ये ऊपर नीचे या इधर उधर हिलता रहता है, इसीलिए ये जहाज किनारे से टकरा कर टूट ना जाए इसी वजह से इनके बीच में एयरबैग को डाला जाता है। लेकिन कई बार जहाज किनारों से बहकर दूर भी चले जाते हैं, इसी कारण इनको लोहे के खूंटे से बांध कर रखा जाता है। ये रस्सी इतनी मजबूत होती है जो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन भी झेल सकती है। और जब किसी जगह पर समुद्र और नदियों को पार करने के लिए पुल नहीं बने होते तो गाड़ियों को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कुछ इस तरह जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं जापान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए बिल्डिंग पर ऐसी मशीन को लगा दिया जाता है जो बिना किसी आवाज या प्रदूषण के बिल्डिंग को तोड़ देती है? और तो और जापान में शहरों के बीच बहने वाली नदी में नाव चलाने वाले लोग यात्रियों को छोड़कर गायब हो जाते हैं, आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों दुनिया के सभी देशों में बिल्डिंग को गिराने के लिए विस्फोटक लगाए जाते हैं लेकिन जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी मशीन को लगा देता है जो धीरे धीरे बिल्डिंग को गायब कर देती है। इस तकनीक से बिल्डिंग के गिरने की आवाज तक नहीं होती। और तो और बिल्डिंग में लगे कांच और स्टील को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। वहीं जापान में बहने वाली अनागावा नदी में नाव चालक बहती नाव को छोड़कर ब्रिज पर चढ़ जाते हैं, इससे एक पल के लिए लोग घबरा जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ से नाव के बाहर आते ही चालक उस पर कूद जाता है। क्या आप जानते हैं अगर आप दुबई जैसे शहर में गंदी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हो तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा? और तो और दुबई में टैक्सी जैसी गाड़ियों के लिए भी लैम्बोर्गिनी कार का इस्तेमाल किया जाता है, आखिर यहाँ हर चीज के लिए सुपर कार का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों आज से 60 साल पहले दुबई जैसे शहरों में भी भारतीय रुपया ही चलता था लेकिन अब इस शहर में लग्जरी सुपर कार भी ऐसी कबाड़ में पड़ी रहती है। यहाँ टैक्सी के लिए भी रोल्स रॉयस और फरारी जैसी सुपर कार चलती है। दरअसल यहाँ के टैक्सी ड्राइवर इन गाड़ियों को किराए पर लेकर टैक्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो और दुनिया के किसी भी देश में गंदी गाड़ी चलाने पर कुछ नहीं होता लेकिन दुबई में अगर कोई गंदी गाड़ी चलाता है या फिर पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर भी धूल जम जाती है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है। यहाँ की सरकार चाहती है कि शहर की हर एक चीज बिल्कुल चमकती हुई रहनी चाहिए।